मुद्दा मैं आपके बीच में उठाना चाहता हूँ कि थोड़ी सी दिल्ली में बैठे हुए हम लोगों को एक गलतफहमी सी रहती है कि किसानों को बहुत कुछ दिया जा रहा है। सारा किसान आकर के पूरे देश को लूट रहा है, सारी सब्सिडी दी जा रही है और बड़ा जो है घटिया किसान है इस देश का। एक कमबख्त आ जाता है हर बार तीसरे चौथे महीने के, लाओ ये दे दो और वो कर्ज माफी कर दो। तो ये अशोक गुलाटी जी का एक छपा था, OECD की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि पिछले 17 सालों में किसानों को हमने क्या दिया और किसानों से हमने क्या लिया। नेट प्रभाव भारत में ये है कि 17 सालों में 45 लाख करोड़ रुपया, दोबारा बता देता हूं, बीच में खांस गए थे, कोने तक पहुंच ही नहीं हुआ, 45 लाख करोड़ रुपया हमने किसानों का छीना है। ये चौधरी पुष्पेंद्र सिंह नहीं कह रहा है, 36 देशों की संस्था OECD की एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया है। यानी सब्सिडी दी 2 रुपए की और मेरी प्याज बाहर महंगी बिक रही है 100 रुपए की, उस पर एक्सपोर्ट में आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, मेरे से 10 रुपए छीन ली, 2 रुपए दिए 10 रुपए छीने 8 रुपए। इस तरीके से यदि जब गिनती की गई तो हमारे देश के किसानों से हमने 3.25 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष छीना है। तो एक तो ये दिल्ली में बैठे हुए जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये गलत फहमी निकाल दें कि किसान को हम कुछ देते हैं, ये गलत है, किसान से हम उल्टे लेते हैं। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि OECD कंट्रीज पिछले साल 2016 में चाइना ने $232 बिलियन की मदद अपने किसान को नेट की, जो 17 लाख करोड़ रुपया बैठता है, और OECD कंट्रीज ने भी लगभग इतनी ही $235 बिलियन जो लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपया बैठता है दी, और हमने -$25 बिलियन 2016 में। यानी हम किसान से लेते हैं और ढोल पूरे विश्व में ये बजाते हैं, पूरे देश में ये बजाते हैं कि किसान को हम देते हैं, हमने ये सब्सिडी दे दी, वो सब्सिडी दे दी। अगर आप सब्सिडीज क्या दी और क्या उससे लिया हिसाब लगाएंगे तो ये -$25 बिलियन है एक ही साल का, और 17 सालों का आया ये हिसाब किताब 45 लाख करोड़ रुपया। तो पहला तो मेरा ठोस सुझाव ये है कि ये जो हमें देते हो आप लोग, जो गवर्नमेंट मंकी है, वी वॉन्ट द गवर्नमेंट मंकी ऑफ आर बैक्स। अरे हम कहां बेचे, किसको बेचे, कितना बेचे, किस रेट पे बेचे, ये हमारे ऊपर छोड़ो ना, हमसे कौन खरीदे कौन ना खरीदे, हम बाहर बेचे, आपको बेचे। अब आप देखिए, आपको 2 रुपए किलो अगर आलू प्याज बेचना है या गेहूं चावल बेचना है तो आप जाने, उसका बोझ हमारे ऊपर क्यों डालते हो। उसके पीछे एक ही नीति है आपकी कि आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, इन्फ्लेशन में आपका 46% वेटेज खाद्य पदार्थ का है, उसके लिए आपको किसान सबसे अच्छा दिखाई देता है। आज जब अखबार में मैं उठाया तो उसमें, क्योंकि बुधवार है तो बिग बाजार वालों का एक पर्चा निकला, उसकी फोटो मैं लाया हूं, उसमें लिखा था कि वेडनेसडे को हम सस्ता बेचते हैं और आज हमारा सस्ता 15 रुपए किलो आलू और 22 रुपए किलो प्याज है सस्ता। यानी जो आदमी है शहर में बैठा हुआ खा रहा है उसे भी सस्ता नहीं मिल रहा, लेकिन यही चीज हमसे 2 रुपए किलो और 1 रुपए किलो, और हमने फैक्ट्री में मजबूर हुए थे 2 महीने पहले, आपको सब रिपोर्ट पता है खान साहब। तो ये बीच का जो तंत्र है, यानी 60-65 करोड़ जो किसान है वो सस्ता बेच के मर रहा है और 60-65 करोड़ जो कंज्यूमर है वो महंगा खरीद के मर रहा है, लेकिन बिचौलिया तंत्र में जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ बिचौलिए हैं उनको कोई सरकार काबू में नहीं कर पा रही। उसको अगर आप काबू में कर लें तो मेरा 10 रुपए किलो प्याज जाएगा, आपको 15 रुपए किलो मिल जाएगा, लेकिन उसको काबू करने में हम असफल रहे हैं। और जिस प्रकार से चाइना अपने यहां 17-18 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष किसानों को दे रहा है, ये OECD की रिपोर्ट है, किसी को डाउट हो बता दूंगा और पढ़ लेना, इंडियन एक्सप्रेस छपी इसके विषय में आर्टिकल। इसमें मेरा यह सुझाव है कि आप हमें डायरेक्ट बेनिफिट दे दीजिए, हमसे बाकी सारा अपना सामान जो भी है हमारे को रेस्ट्रिक्शन हटाइए और सारी सब्सिडी हटा करके हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए हमारे खाते में, और वो करिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति सीजन।
बस ये दो आइटम हमें चाहिए, उसके अलावा हम सारा प्रोड्यूस भी कर देंगे, खिला भी देंगे, एक्सपोर्ट चाहोगे एक्सपोर्ट कर लेना, रखना चाहोगे रख लेना, खिलाना चाहोगे खिला लेना। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शंस में जब तक कृषि रहेगी तब तक कोई संभावना नहीं है। आप बैठे हुए ट्रैक्टर के विषय में आपने बताया, यदि आपका ट्रैक्टर यही 5,000 रुपए में सरकार बेचने लगे, जीवन में आपकी कंपनी कभी प्रॉफिट में नहीं जाएगी। तो मेरा गेहूं 2 रुपए किलो में क्यों बेचा जाता है इस देश में, 1 रुपए किलो में चावल 2 रुपए किलो में क्यों बेचा जाता है? आपका 5,000 रुपए में अगर बिकने लगे ट्रैक्टर, मारुति वाले से कह दिया जाए जितनी प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो दिल्ली में बेचेगा तू, तो गली गली में मारुति कार ऐसे फिकी पड़ेगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन जब बिजनेस के ऊपर नहीं है तो किसानों के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि हमें सस्ता भोजन खिलाना, अरे सस्ता भोजन खिलाना है तो आप झेलोगा उस बात को, उसका बोझ हमारे ऊपर क्यों डालते? किसानों के ऊपर उस बात का बोझ क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि किसान को यह नहीं पता कि भोजन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मोबाइल फोन तो सैमसंग की जगह नोकिया खरीद लोगे, नोकिया की जगह आईफोन खरीद लोगे, गेहूं की जगह चावल और चावल की जगह गेहूं, या गेहूं की जगह कुछ और चीज प्लास्टिक में खा पाओगे। सर जो वो किसी भी तरीके से खरीदा जाए, अगर उसका रेट बढ़ा देंगे आप खरीदोगे, मुझे रेट कभी जीवन में बढ़ा हुआ मिलने वाला नहीं है। यदि मेरा सामान मेरे घर के बाहर बिकला 2 रुपए और 1 रुपए किलो, 85 करोड़ आदमियों को दे दिया, कैसे बिकेगा, कैसे मेरा रेट बढ़ेगा? जीवन में बढ़ नहीं सकता। सर एमएसपी का बिल्कुल भी डिमांड नहीं करेंगे हम सीधी डिमांड हमारी है, हमें 50 करोड़ एकड़ जो है यहाँ पर जमीन है, ग्रॉस क्रॉप एरिया 10,000 रुपए के हिसाब से 5,00,000 करोड़ रुपए बनता है, हमारे खाते में सीधा भेज दीजिए और कहीं कुछ करिए आप, हम प्रोड्यूस भी करेंगे सबको खिला भी देंगे। लेकिन ये तरीके से जो हमें लूटने का काम कृपया ना किया जाए, इससे किसान बिल्कुल परेशान है और किसान बिल्कुल मरा है। मैं आपके बीच में उठाना चाहता हूँ कि थोड़ी सी दिल्ली में बैठे हुए हम लोगों को एक गलतफहमी सी रहती है कि किसानों को बहुत कुछ दिया जा रहा है, सारा किसान आकर के पूरे देश को लूट रहा है, सारी सब्सिडी दी जा रही है और बड़ा जो है घटिया किसान है इस देश का, कि कमबख्त आ जाता है हर बार तीसरे चौथे महीने के, लाओ ये दे दो और वो कर्ज माफी कर दो। तो ये अशोक गुलाटी जी का एक छपा था, OECD की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि पिछले 17 सालों में किसानों को हमने क्या दिया और किसानों से हमने क्या लिया। नेट प्रभाव भारत में ये है कि 17 सालों में 45,00,000 करोड़ रुपया, दोबारा बता देता हूं, बीच में खास गए थे कोने तक पहुंची नहीं हुआ, 45,00,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का छीना है। ये चौधरी पुष्पेंद्र सिंह नहीं कह रहा है, 36 देशों की संस्था OECD की एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया है। यानी सब्सिडी दी 2 रुपए की और मेरी प्याज बाहर महंगी बिक रही है 100 रुपए की, उस पर एक्सपोर्ट पे आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, मेरे से 10 रुपए छीन लिए, 2 रुपए दिए 10 रुपए छीने 8 रुपए। इस तरीके से यदि जब गिनती की गई तो हमारे देश के किसानों से हमने 3,00,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष छीना है। और एक तो ये दिल्ली में बैठे हुए जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये गलत फहमी निकाल दें कि किसान को हम कुछ देते हैं, ये गलत है, किसान से हम उल्टे लेते हैं। इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि OECD कंट्रीज पिछले साल 2016 में चाइना ने $232 बिलियन की मदद अपने किसान को नेट की, जो 17,00,000 करोड़ रुपए बैठता है, और OECD कंट्रीज ने भी लगभग इतनी ही $235 बिलियन जो लगभग 17,00,000 करोड़ रुपए बैठता है दी, और हमने -$25 बिलियन 2016 में। यानी हम किसान से लेते हैं और ढोल पूरे विश्व में ये बजाते हैं, पूरे देश में ये बजाते हैं कि किसान को हम देते हैं, हमने ये सब्सिडी दे दी वो सब्सिडी दे दी। अगर आप सब्सिडीज क्या दी और क्या उससे लिया हिसाब लगाएंगे तो ये -$25 बिलियन है एक ही साल का, और 17 सालों का है ये हिसाब किताब 45,00,000 करोड़ रुपया। तो पहला तो मेरा ठोस सुझाव ये है कि ये जो हमें देते हो आप लोग, जो गवर्नमेंट मंकी है, वी वॉन्ट द गवर्नमेंट मंकी ऑफ आर बैक्स। अरे हम कहां बेचे, किसको बेचे, कितना बेचे, किस रेट पे बेचे, ये हमारे ऊपर छोड़ो ना, हमसे कौन खरीदे कौन ना खरीदे, हम बाहर बेचे, आपको बेचे,
अब आप देखिए आपको 2 रुपए किलो अगर आलू प्याज बेचना है या वो गेहूं चावल बेचना है तो आप जाने उसका बोझ हमारे ऊपर क्यों डालते हो? उसके पीछे एक ही नीति है आपकी कि आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है। इन्फ्लेशन में आपका 46% वेटेज खाद्य पदार्थ का है, उसके लिए आपको किसान सबसे अच्छा दिखाई देता है। आज जब अखबार में मैंने उठाया तो उसमें क्योंकि बुधवार है तो बिग बाजार वालों का एक पर्चा निकला, उसकी फोटो में लाया हूं, उसमें लिखा था कि वेडनेसडे को हम सस्ता बेचते हैं और आज हमारा सस्ता 15 रुपए किलो आलू और 22 रुपए किलो प्याज है सस्ता।